एवरीवन, सो आज मैं बची रोटी से ये लज़ानिया बनाने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे, उसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ, इसको सौते कर लेंगे 10-15 सेकेंड। एक शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर 1/4 कप, बॉयल स्वीट कॉर्न, इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो हीट पर पका लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओलिव्स और एलपिनोज, ये ऑप्शनल है, आपने अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। फिर नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, इसको मिक्स कर लेंगे और ये रेडी है, इसको साइड में रख देंगे। फिर उसी पैन में गरम करेंगे 2 चम्मच बटर, 1.5 चम्मच मैदा, उसको सौते कर लेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे दूध 1 ग्लास, उसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च, ओरिगैनो और फिर से चिली फ्लेक्स, इसको मिक्स कर लेंगे और बॉईल कर लेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चीज़ क्यूब ग्रेट कर, इसको मिक्स कर लेंगे और सॉस की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले व्हाइट सॉस स्प्रेड करेंगे, फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर चीज़ डालेंगे, प्रोसेस्ड और मोज़रेला दोनों। फिर रोटी रखेंगे और इससे पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब लास्ट लेयर में मैं यहाँ पर चीज़ स्लाइस रख रही हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, मोज़रेला और प्रोसेस दोनों, और ये हमारी असेंबल हो चुकी है लज़ानिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसको हम बेक करने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें नमक डालेंगे 1/2 कप जितना, इसको रख देंगे और इसको 20 मिनट तक लो हीट पर पका लेंगे, या आप इसको ओवन में भी 20 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर सकते हैं। अब ये रेडी है, अब हम इसको काट कर सर्व करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें रोटी डाली है। सो डू ट्राई, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। थैंक यू।